This is NDTV and you're watching NDTV Prime in association with Micromax. Nothing like anything. प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों और रियल एस्टेट की हर बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्वाल। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी पर और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर भी जा सकते हैं। चलिए एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। मुंबई की हरी पट्टी आरे कॉलोनी में निर्माण का खतरा, क्या मुख्यमंत्री के आश्वासन से टल गया है? मुंबई जैसे शहरों में हरियाली को बचाए रखते हुए विकास के लिए जमीन निकालने की है चुनौती। रिहायश निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। और एफएसआई बढ़ाने से क्या मुंबई की समस्याएं सुलझेंगी या बोझ और बढ़ जाएगा? बृहन मुंबई कॉरपोरेशन ने मुंबई के विकास के लिए जो प्लान बनाए हैं वो हर किसी के गले नहीं उतर रहे हैं, खास तौर पर आरे कॉलोनी को डेवलप करने के प्लान। आरे कॉलोनी मुंबई में चंद बचे खुचे हरे इलाकों में से एक है। इस प्लान के मुताबिक 1619 हेक्टेयर ज़मीन में से करीब 1009 हेक्टेयर पर विकास होने जा रहा है, जो यहाँ की हरियाली के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। झील के किनारे हरियाली से घिरे इलाके की बेहद खुली जगह में अगर आप रहना चाहते हैं, और वो भी मुंबई में, तो सुनने में ये बात नामुमकिन सी लगती है, लेकिन वसुधा झुंझुनवाला को मुंबई शहर के बीचों बीच ऐसा घर मिल गया। उनके फ्लैट से आरे कॉलोनी का ये नजारा है। गोरेगांव में रहने वाले ज्यादातर लोगों की तरह वसुधा ने भी इस हरियाली को बचाए रखने का बीड़ा उठाया है। इट बीइंग द लास्ट ग्रीन लंग ऑफ बॉम्बे, वी वांटेड टू बी कंजर्व्ड। से हम आरे कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चला रहे हैं। ये मुंबई के फेफड़े हैं। हम चाहते हैं कि आरे बचा रहे, और 2 साल पहले वहाँ की सफाई इसी के लिए की गई थी। हम वहाँ रहने वालों को जागरूक करने की एक मुहिम भी चला रहे हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ आरे एंड अबाउट वेस्ट मैनेजमेंट एक्सेट्रा। 1619 हेक्टेयर इलाके में फैली आरे कॉलोनी संजय गांधी नेशनल पार्क के साथ मुंबई के आखिरी ऐसे हिस्से है जहाँ हरियाली है। हैरानी की बात नहीं कि शहर में रहने वाले और कार्यकर्ता बीएमसी और एमएमआरडीए के ताज़ा प्रस्ताव के खिलाफ हैं। बीएमसी के इस विकास प्रस्ताव के तहत आरे कॉलोनी के 1009 हेक्टेयर पर विकास कार्य होगा, यानी हरियाली का सिर्फ 37% हिस्सा बच पाएगा। इस फैसले से प्रॉपर्टी सेक्टर में मिलीजुली प्रतिक्रिया हुई है। हालांकि बिल्डर ये मानते हैं कि इससे जगह की कमी का तो हल निकलेगा, लेकिन हरियाली के कम होने पर चिंता भी है। If you see the stretch of the Mulund and the... अगर बहुत ज्यादा पेड़ काटे बिना काम बन जाता है तब तो ठीक है। जैसे गोरेगांव से मुलुंड के बीच संपर्क पूरा करने के लिए चंद पेड़ कटते हैं तो उन्हें कहीं और लगाने में कोई हर्ज नहीं। Few trees is okay, you know, then you can transplant the trees. बीएमसी सबसे पहले आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड बनाना चाहती है। ये मेट्रो प्रोजेक्ट कोलाबा बांद्रा से लेकर सीप्स तक होगा। 33.5 किलोमीटर की अंडरग्राउंड मेट्रो बनाने के लिए 2298 पेड़ों को काटना पड़ेगा। इसके अलावा प्रस्तावित जोगेश्वरी विखरोली लिंक रोड भी आरे कॉलोनी होकर जाएगी। बीएमसी भाईखाला चिड़ियाघर का 11 एकड़ का विस्तार भी करने वाली है। ये सारी योजनाएं अमल में आ गई तो क्या आरे कॉलोनी के आसपास का इलाका मकान खरीदारों के लिए इतना ही लुभावना रहेगा? It's only because of the greenery and the view. आरे के आसपास प्रॉपर्टी खरीदने की एक वजह उसकी हरियाली थी। पूरे मुंबई में ये अकेला हरा हिस्सा है जो तबाह नहीं हुआ है। अगर उसमें तब्दीली आती है तो लोग यहाँ पर रहने के लिए प्रीमियम क्यों देंगे? You know, for the people to pay the premium over here. हालांकि बीएमसी की विकास योजना की हर तरफ से आलोचना हो रही है, लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि सबको अच्छी सुविधाओं के साथ आवास देना है तो इस तरह की योजना लानी पड़ेगी। शहर की हालत को देखते हुए ऐसी खुली जगहों का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है, वरना शहर में झुग्गियां फैल जाएंगी। साथ ही सुविधाओं और सड़कों के लिए भी ये जरूरी है। अब ये महाराष्ट्र सरकार को देखना है कि हरियाली बरकरार रखने के दबाव और शहर में जगह निकालने के काम में वो तालमेल कैसे बनाए रखती है। मुंबई से अंकिता सिन्हा, एनडीटीवी। वैसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अब आश्वासन दिया है कि आरे कॉलोनी में निर्माण से पहले उस पर बीएमसी की एक एक्सपर्ट कमेटी विचार करेगी और उसके बाद ही शहरी विकास विभाग भी इस पर जांच करेगा और कुछ होगा आगे जाकर। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं GR खैरनार, जो कि फॉर्मर डिप्यूटी म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं, और साथ में हैं मनीष सेठी, जो कि एक्टिव मेंबर हैं सेव आरे कम्युनिटी के। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष, पहला सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है कि क्यों नुकसान पहुंचा रहा है ये प्लान? क्योंकि कोशिश तो यही की जा रही है कि आप लोगों को ही सुविधाएं दी जाएं, मुंबई को सुविधाएं दी जाएं, तो आपकी क्या परेशानी है इस प्लान से? देखिए, हम लोग जहां तक मेट्रो 3 प्रोजेक्ट का सवाल है, हम लोग इसके अगेंस्ट में नहीं हैं, इसके विरोध हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो इस प्रोजेक्ट का जो यार्ड है, जो कि मेट्रो का जो जहाँ पे कार शेड बन रहा है, वो उसका जो लोकेशन है वो आरे कॉलोनी में नहीं आए। अब अगर आप आरे कॉलोनी को देखें, आरे कॉलोनी एक 3000 एकड़ की एक जगह है जहाँ पर हरियाली है, जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है, तरह तरह के जानवर वहाँ रहते हैं। और इस सिचुएशन में, इस स्थिति में हम चाहते हैं कि वहाँ पर ये डेवलपमेंट ना हो करके ये यार्ड की लोकेशन को कहीं और उपयुक्त जगह ढूंढ करके वहाँ पर ये यार्ड की लोकेशन को रिलोकेट करें। और इस तरह से जो है आरे कॉलोनी की जो पर्यावरण है उसको मतलब एक तरह से हम बचाना चाहते हैं। अब अगर आप ये डेवलपमेंट प्लान का भी देखेंगे जो बीएमसी यहाँ पर ला रही है और मेट्रो यार्ड का यहाँ पे बनने के साथ साथ में जो डेवलपमेंट प्लान है उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा और फिर उसके बाद ये होगा कि उसके बाद में वहाँ पर ट्रांसपोर्ट ओरिएंटेड जो है डेवलपमेंट वहाँ पर हो जाएगा और जिसके तहत 6.5 तक का FSI वहाँ पर मिल जाता है। इसी प्रकार से वहाँ पर बीएमसी चाहती है कि गवर्नमेंट के ऑफिसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएं। तो अब ये जो मुद्दा है इस पर हम लोग पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं कि यहाँ की हरियाली को बचाया जाए और उसके बहुत सारे कारण हैं जो मैं ऐसा बोल रहा हूँ और मैं आपको इसके बारे में विस्तार से भी बता सकता हूँ। जी बिल्कुल। यहाँ खैरनार साहब, आप क्या मानते हैं, जो प्लान बीएमसी लेके आ रही है क्या वो वाकई में नुकसान पहुँचाएगा आरे कॉलोनी को? कोई भी शहर का अगर विकास करना है तो पूरी समस्या का ध्यान रखकर ये प्लान तैयार किया जाता है। इसके पहले के अनुभव के आधार पर आज की प्राप्त परिस्थिति और आगे 20 साल में जो इस शहर की ज़रूरतें हैं विकास के लिए, वो सभी शहर का और शहरवासियों का ख्याल रखकर बड़े अभ्यासपूर्वक ये प्लान तैयार किया जाता है। इसे एक्सपर्ट लोगों की सलाह ली जाती है, साथ साथ जो संबंधित लोग हैं, तज्ञ लोग हैं, वो NGOs, उनके ग्रुप, इसे चर्चा होती है। इतना ही नहीं, महानगर पालिका के नगर सेवक, विधायक और पार्लियामेंटेरियन, इनसे भी मीटिंगें होती है और यह सभी अभ्यासपूर्ण काम और अनुभव के आधार पर एक विकास शहर के लिए बनाया जाता है, विकास आरेखा प्लान बनाया जाता है। और वो किसी एक ग्रुप को या किसी एक सेक्शन को ध्यान में रखकर नहीं बनाया जाता है। अगर शहर के लिए कुछ अच्छे करना है, शहर के विकास में हमें सहभागी होना है, तो पूरी ट्रांसपेरेंसी होता है। आज भी महापालिका ने जो ड्राफ्ट तैयार किया है वो पब्लिश किया है। कोई भी नागरिक या कोई भी ग्रुप अगर सही सूचना करता है, फ्रूटफुल सजेशन देता है, या ऐसे कुछ कारण है कि उसे उनको आपत्ति है, तो ये सब सुनी जाती है और ये तज्ञ लोग अभ्यासपूर्वक ये सुनकर ये मन बनाते हैं कि अगर अच्छी सूचना हो तो लिया जा सकता है, नहीं हो तो वो नकारा जा सकता है। तो सभी शहर के लिए अगर ये प्लान बिना स्वार्थ से बनाया जाता है और इसमें एक्सपर्ट लोग हैं तो आम तौर पर सभी जनता ने उसमें सहयोग देना चाहिए। केवल पब्लिसिटी स्टंट के लिए या अपना ईगो पूरा करने के लिए या कोई छोटे ग्रुप के कारण हम ये लड़ाई झगड़े में नहीं पड़े। तो खैरनार साहब, आप मानते हैं कि ये फॉर द ग्रेटर गुड वाली बात यहाँ पे आ जाती है। तो मनीष, आप क्या कहेंगे, क्या खैरनार साहब का जो आर्ग्यूमेंट है उससे आप सहमत हैं? देखिए, बम्बई में जो प्रदूषण है, अब मैं ज़रा इसके बारे में मैं बात करता हूँ, और न केवल बम्बई, अगर आप देखें बीजिंग की एक मैं आपको कहानी बताता हूँ। यहाँ पर पॉल्यूशन का जो स्तर है वो 300 के ऊपर जो है, कई बार हमेशा 300 के ऊपर ही रहता है। अमेरिकन गाइडलाइंस के हिसाब से 300 के ऊपर जब पॉल्यूशन जाता है तो उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वो अपने घर में रहें और जो है हवा की प्यूरिफिकेशन करें और ज़्यादा मोशन अपना जो है मूवमेंट न करें। बॉम्बे में यह हालत हो जाएगी? बिल्कुल, हमारी ये पूरी तरह से चिंता है और बॉम्बे उस रास्ते में बहुत आगे निकल गया है। दुनिया के जो 20 सबसे प्रदूषित जगह हैं उनमें से 13 जो है इंडिया में है और उनमें से एक बम्बई भी है, WHO के आंकड़ों के हिसाब से। तो पेड़ों का जो और हरियाली का जो बात है और ये जो मुद्दा है, इसमें अगर आप देखेंगे 20 मिलियन लोग बम्बई में रहते हैं और लगभग 450 स्क्वायर किलोमीटर की जगह बम्बई के पास है। अगर इसमें हम ओपन स्पेस देखें तो केवल लगभग 1.24% का यहाँ पर ओपन स्पेस है। तो एक तो ये रही ओपन स्पेस की समस्या और दूसरी तरफ प्रदूषण की समस्या। प्रदूषण के भी बहुत बड़े आर्थिक क्या बोलते हैं वो हैं इम्प्लीकेशंस। मतलब कहने का ये हुआ कि उसका जो इफ़ेक्ट है क्लाइमेट चेंज पे आएगा। क्लाइमेट चेंज का मतलब है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है अगर वो दुगना हो जाए पर्यावरण में तो आप समझिए कि 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इन सब की जो आर्थिक जो इम्प्लीकेशन है जो कि लाखों करोड़ों में आती है उसके बारे में भी विचार करना चाहिए। चलिए खैरनार साहब, यहाँ अगर इस बात को भी हम सोचें कि प्रदूषण और ये सारी बातें भी हमें गौर में रखनी होंगी। क्या हरी जगहों को ही काटना एक चारा रह गया? क्या हम रीडेवलपमेंट की तरफ नहीं जा सकते हैं? क्या हम ऐसे इलाकों को नहीं ढूंढ सकते हैं जहाँ पे हमें पेड़ ना काटने पड़े, हरियाली को ना तिलांजलि देनी पड़े? ये देखो, ये दो जो चीज़ें वो भिन्न भिन्न है। एनवायरनमेंट या पोल्यूशन जो है वो अपनी जगह अलग चीज़ है, उसके लिए अलग रास्ते हैं ठीक करने की। और ये अरे कॉलोनी का जो इलाका है वो पूरे शहर के लिए, जैसे कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बना, इसके पहले नरीमन पॉइंट को हमने रिक्लेमेशन करके एक बड़ा अच्छा बिजनेस सेंटर बनाया है। ऐसे बिजनेस सेंटर की ये बढ़ती मुंबई के लिए, बढ़ते पॉपुलेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए ये बिजनेस सेंटर ऐसे होना भी आवश्यक होता है। और आज हमारे यहाँ झोपड़पट्टी में जो लोग, हमारे करीबन आधी मुंबई झोपड़पट्टी में जहाँ मानवीय सुविधा का अभाव है और मानवीय लोगों को रहने लायक नहीं, ऐसी परिस्थिति में रहते हैं। तो क्या हम ये जो 50% लोग जो इन ह्यूमन कंडीशन में झोपड़े में रहती है उसका हम विचार नहीं करेंगे? ऐसे ही हुआ, इसके पहले जो विकास प्लान बनाया गया उसमें ये देखा गया है कि बम्बई को हम सीमित रखेंगे, ज़्यादा डेवलप नहीं होने देंगे, लोक संख्या पर काबू रखेंगे। असलियत में ये हुआ कि जितने भी हमारे रिजर्वेशन प्लॉट है, जितने भी हमारी खुली जगह है वो झोपड़पट्टी से व्याप्त हो गई है। अगर आगे चलकर हमने 20 साल का विचार पूरे बम्बई के लिए नहीं किया, हो सकता है 20 साल के अंदर ये पूरा गोरेगांव कॉलोनी जो है वो झोपड़पट्टी बन जाएगी। इससे अच्छा ये है कि हम परिस्थिति में धांपते हुए, परिस्थिति में ख्याल रखते हुए मुंबई के लिए क्या महत्व का है। मेरे लिए नहीं, मुझे आरे कॉलोनी में जाना, फिरना, घूमना बहुत पसंद आता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आरे कॉलोनी का कुछ खराबी हो, परंतु पूरे शहर के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए अगर आरे कॉलोनी का विकास हो जाता है तो बहुत सारा विकास शहर का ही नहीं पूरे महाराष्ट्र और देश का विकास हो सकता है। एम्प्लॉयमेंट के बारे में कहिए या बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो ऐसे खुली जगह का इस्तेमाल करना आवश्यक है। इतना ही नहीं, ये जो रिक्रेशन वगैरह जो हम कहते हैं केवल अरे कॉलोनी में एक जगह बड़ी जगह है, जैसे नेशनल पार्क है और भी बहुत सारे इलाके हैं, वो हमारे काम के वैसे देखा जाए तो नहीं है। जिस तरह कि हमारे आसपास अगर मैदान है, खुली जगह है जगह जगह पर, तो वो ज़्यादा फायदे में है, जहाँ हमारे लोग लड़के वगैरह सब जा सकते, खेल सकते, इंटरटेन कर सकते, ऐसी जगह हमें चाहिए। तो ये आरे कॉलोनी को पूरा रखकर हमारा बम्बई का पर्पज सर होने वाला नहीं है। चलिए हाँ, ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ बचाए जाए, अगर नहीं बचा सकते तो नए पेड़ लगाए जा सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर जो भी है वो ख्याल में रखते हुए हमारे बुजुर्ग लोगों ने, तज्ञ लोगों ने और हमने जिसको चुन कर दिया है वो सभी लोगों ने जो मान्य किया है, उसमें हम अलग अलग हमारे विचार में विचार से या हमारे युवाओं के लिए, हमारे पब्लिक सिटी स्टल्ट के लिए अगर कोई झगड़ा करते हैं, हेजिटेशन करते हैं, विरोध करते हैं, तो ये शहर का नुकसान देह होगा। चलिए यहाँ जैसे मैंने कहा, यहाँ आज ऊपर पर्वत पर भी लोग झोपड़पट्टी बनाते हैं, चलिए पर भी बनाते हैं। बिल्कुल मुद्दा यहाँ पे, माफ कीजिएगा वक्त हमारे पास थोड़ा कम है, मुद्दा साफ है। यहाँ एक सही संतुलन बैठाने की बात मेरे ख्याल से आती है। दो विचार हैं, बिल्कुल अलग विचार हैं, लेकिन संतुलन बिठाना भी आसान काम नहीं है। सरकार को, बीएमसी को इस पर काफ़ी गहरे तरीके से विचार करना होगा और शायद कुछ ऐसा प्लान सामने लाना होगा जिससे शायद दोनों ही पक्ष बिल्कुल खुश ना हो सके, लेकिन थोड़े तो खुश हो सकें। आप दोनों इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।